है, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जो राधे श्याम है उसकी ओटीटी रिलीज डेट आ चुकी है, जबकि उससे पहले 10 मार्च को रिलीज हुई थी ईटी मूवी जिसके स्टारर में सूर्या सर थे। तो इसकी जो मूवी है ये ओटीटी पे रिलीज होनी है या होनी है तो कब होनी है और कहाँ होनी है, इसके बारे में सारे क्वेश्चन कर रहे थे। उसके बारे में कई सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि ट्रिपल आर जो मूवी है इसकी जो ओटीटी है राइट्स किसके पास है और जिसके मूवी में ओटीटी पे रिलीज कब होने वाली है, इसके बारे में जो डेट्स निकल के आ रही है उसके बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहूंगा आपके पास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एंड में इस वीडियो पे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है प्रेस कर दीजिएगा। तो लोग बात करते हैं सूर्या सर की स्टारर में फिल्म ईटी मूवी की। इस मूवी को लोग देखना इसलिए ज्यादा मतलब एक्साइटेड है इस मूवी के लिए क्योंकि इस मूवी को हिंदी रिलीज तो किया गया था, फिर भी इस मूवी की जो स्क्रीनिंग थी इतनी कम थी कि लोगों को देखने को मिला ही नहीं, जबकि उसके बाद में द कश्मीर फाइल्स आई और द कश्मीर फाइल्स आप लोगों को पता होगा उसने तो बच्चन पांडे को भी नहीं छोड़ा। तो ये फिल्म उसके बाद जिस फिल्म का प्रमोशन ही नहीं हुआ है, जिस लोगों को पता ही नहीं उस फिल्म का क्या होगा आप लोगों को पता होगा। तो बहुत सारे जो सूर्या सर के फैंस थे जय भीम के बाद में वो सोचे थे इसकी ओटीटी रिलीज कब होने वाली है। तो दोस्तों अभी की डेट में जो अपडेट्स निकल के आ रही है आज के दिन पे वो ये निकल के आ रही है कि आप लोगों को जो ईटी मूवी है आप लोगों को 7 अप्रैल को नेटफ्लिक्स में सभी लैंग्वेज के साथ में देखने को मिल जाएगी। और जहां तक न्यूज निकल के आ रही है कि हिंदी लैंग्वेज को भी उसी दिन रिलीज कर दिया जाना है ना कि उसे डिले किया जाएगा, तो आप लोगों को इस न्यूज पे क्या लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। उसके बाद में मैं बात करूं दूसरी अपडेट की तो वो आ रही है ट्रिपल आर की ओर से। आप लोगों को पता होगा ट्रिपल आर यार वो मूवी जिसने फर्स्ट डे इतनी अच्छी कलेक्शन की है, तो जो इसकी जो विंडो रखी गई थी इस मूवी की वो फिल्म मेकर्स ने ओटीटी राइट्स के बीच में जो विंडो रखा गया था इस मूवी के बीच में उसे 60-70 डेज का रखा गया है। क्योंकि इस मूवी का इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है तो मुझे कहीं नहीं लगता कि इस मूवी की जो ओटीटी डेट है उसे कहीं ना कहीं मतलब डिले किया जाएगा, क्योंकि उतने दिन तक 70 डेज इनफ है इस मूवी को अपनी कलेक्शन से इनफ फार अवे मतलब की कमाई करने के लिए। तो ये जो फिल्म है आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और जो उसके अदर 4 रीजनल लैंग्वेज है वो आप लोगों को G5 में देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं जो हिंदी लैंग्वेज है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाला है क्योंकि जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने एक्वायर किए हिंदी के लिए। तो आप लोगों को ट्रिपल आर जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और आप लोगों को ईटी जो मूवी है वो आप लोगों को 7 अप्रैल के दिन नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी विद हिंदी। तो आप लोगों को ये जो अपडेट है कैसा लगा मेरे चैनल पे जरूर बने रहेगा इसी तरह के मूवीज अपडेट और मूवीज के रिव्यूज के लिए। और मैं दोस्तों जाते जाते ये भी बताता हूँ आज के दिन नमकीन शर्मा जी जो फिल्म है Amazon पे आज वो रिलीज हो चुकी है, तो आप लोग जाकर उस मूवी को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे दोस्तों, इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।